क्या माइक हैसन ने रवि शास्त्री से बदला लेने के लिए बनाया एक खतरनाक प्लान। नमस्कार, माइक हैसन आजकल सुर्खियों में है। पहले उन्हें भारतीय टीम के हेड कोच के लिए आवेदन किया, उसके बाद उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओर से हेड कोच बनने का ऑफर आया जो उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब उन्हें IPL की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन बनाया गया, यानी वह एक तरह से RCB टीम के सुपर कोच रहेंगे। अब उन्हें सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि वह कप्तान विराट कोहली के साथ अधिक से अधिक सलाह परामर्श करने का मौका मिलेगा। इसी मौके के लिए माइक हैसन ने RCB का ये पद स्वीकार किया। ये पद पाकिस्तानी और बांग्लादेश के हेड कोच से भी बड़ा नहीं माना जा सकता, लेकिन इसे एक तरह की चाल समझा जा रहा है। हाल ही में भारतीय टीम के हेड कोच पद के लिए हुए इंटरव्यू में सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कपिल देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस इंटरव्यू में रवि शास्त्री नंबर 1 पर रहे और माइक हैसन नंबर 2 पर थे। इसी बीच BCCI अधिकार ने ये संकेत दिए कि माइक हैसन ने रवि शास्त्री को अंतिम क्षण तक कड़ी टक्कर दी है। माइक इसका कारण उनके रिकॉर्ड रवि शास्त्री के रिकॉर्ड से भारी पड़ रहे थे। रवि शास्त्री के कारण अपना चयन ना हो पाने से माइक हैसन काफी निराश हैं। लेकिन कोच होने के कारण उन्होंने नया ब्रेन गेम खेला है और RCB के सुपर कोच पद लेकर विराट कोहली से नजदीकियां बढ़ाकर टीम इंडिया के लिए मौका तलाशा है। इस मौके के लिए उन्हें 2 वर्षों तक इंतजार करना होगा। इसके बाद वह रवि शास्त्री के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता दिखाकर उन्हें 2 साल बाद कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अपनी इस योजना के तहत ही माइक हैसन ने विराट कोहली वाली टीम को सिलेक्ट किया है। यदि उनकी विराट कोहली से अच्छी जुगलबंदी हो गई तो वह रवि शास्त्री के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।